गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास दिस क्लास इज बेस्ड ऑन आर्टिकल्स दिस इज फॉर ग्रेट टू थ्री एंड फोर स्टूडेंट्स एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट देर आर थ्री आर्टिकल्स अ एन एंड द ओके ए एन और द आपके क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं दे आर यूज बिफोर अ नाउन इसको हम कैसे यूज करते हैं बिफोर अउन से बिफोर यूज करते हैं ठीक है बेसिकली वी हैव ए एन एंड two type of article. So firstly you have to clear this first. So first one is indefinite article and the second one is definite article. ठीक है सो so, इनफिनेट जो होंगे an और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द क्लियर सो इन डेफिनेट में हम क्या कवर अप करते हैं कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ सो ए एंड एन डोंट प्रीफर टू बी एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा प्लेस होगा या थिंग होगा उसके साथ हम ए और एन को यूज नहीं करते ठीक है एग्जाम्पल so, देखो अ चेयर एन एलिफेंट अ फैन अ टेम्पल तो आपको क्लियर कैसे होगा कि अब ये uh, किसके साथ अ लगने किसके साथ एन लगने दैट इज इट इज इनडेफिनेट ना सो इसलिए हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स में काउंट करते हैं राइट सो so, नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल में हमारे को मैंने आपको बताया था अभी द इज द डेफिनेट आर्टिकल ठीक है इट रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग कुछ पर्टिकुलर पर्सन कुछ प्लेस और कोई पर्टिकुलर थिंग के ऊपर हो तो उसके साथ हम द को यूज करते हैं लाइक द इंडिया गेट द प्रेजिडेंट द फ्लैग ओके नाउ वी हैव यूजेज ऑफ ए एंड एन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ए को हम कहाँ लगाएंगे और एन को कहां पर लगाते हैं राइट सो फर्स्ट वन है द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड अपॉन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आपको बेटा साउंड को देखना पड़ेगा साउंड से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा राइट right? देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे पेन है हमारे पास पेन में पी की पी की साउंड कैसे आ रही है प की पी ए प राइट right? तो इसके साथ हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वोवल की साउंड है कौन सी कॉन्सोनेट की साउंड है ठीक है सो so, एक बार देख लो यू हैव टू नो अबाउट दैट वी हैव ट्वेंटी सिक्स एल्फाबेट्स जिसमें से बेटे आपके पास फाइव वॉवल्स होते हैं और रिमेनिंग ट्वेंटी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉवल कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ एंड यू ठीक है एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद वॉवल साउंड अगर आपको किसी भी वर्ड के साथ वॉवल की साउंड आ रही है दैट मीन हम उसके साथ क्या पुट करेंगे एन ठीक है देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं एन इंजन एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला इन सबके साथ हमारे को वॉवल की साउंड आ रही थी दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन ओवर दे क्लियर नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एन एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन अब आप कहोगे कि एच तो नहीं है तो फिर हमने इसके साथ एन क्यों पुट किया क्योंकि एच बिगेन्स विद वोवल साउंड इसमें आपको की साउंड आ रही थी राइट नेक्स्ट है हमारे पास एन एम एल ए एम ए एल एल बी अब आप एम एल ए बोलोगे तो एम एल ए दैट दीन्स एम से एम बोलोगे तो उससे आपको किसकी साउंड आ रही है वोवल की साउंड आ रही है दैट्स वाई वी आर पुटिंग एन ओवर क्लियर कुछ ऐसे बेटा केसेस हैं जिसमें आपको वोवल ना होते हुए भी अगर आपको साउंड आ रही है वोवल की, आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पे आपको ए यूज करना है ठीक है आपको एक बार मैं बता देती हूँ कॉन्सनेंट कौन से कौन से होते हैं कॉन्सोनेट्स बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्लियर तो इसके एग्जाम्पल देख लो अ बॉय अ लोइन अ ट्री इन सब में आपको कॉन्सनेंट की साउंड आ रही है ठीक है अ बॉय अ टेबल अ वन आइड अ यूजफुल थिंग अब आप कहोगे कि ओ एंड यू आर द vowels तो फिर हमने इसके साथ क्यों नहीं लगाया एन क्यों नहीं लगाया अ क्यों, क्यों लगाया क्योंकि बेटा इसमें आपको कॉन्सनेंट की साउंड आ रही है देखो अ वन वन बोलते हैं तो हम व की साउंड आती है यूजफुल में वाई की साउंड आती है ठीक है सो दैट्स वाई इनके साथ भी हम क्या पुट करेंगे अ एंड द लास्ट वन इज यूजेज ऑफ द द को आप कब यूज करते हो बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस रिवर माउंटेन लेक ओशन कोई आपकी होली बुक हो गई तो उसके साथ यूज करेंगे ठीक है मोन्यूमेंट्स वगैरह सो एग्जाम्पल देख लेंगे द यूनिवर्स द यमुना द गंगा द ताजमहल द रुमाणा सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल